गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर फर्स्ट, इतने ऊंचे उठो। इस पोएम को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। कवि कहते हैं कि नए समाज में के निर्माण के लिए अपनी नई सोच को जाति धर्म रंग आदि भेदभाव को हमें दूर करना होगा और समाज में एक नया संदेश देना होगा। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हमें निरंतर गतिशील रहना होगा। यदि हम कोशिश करेंगे तो हम अपने समाज को एक नई सोच दे सकते हैं। जिस प्रकार हवाएं वातावरण को शीतल बनाती हैं, उसी प्रकार हमें भी नफरत की आग को समाप्त कर समाज में शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस तरह प्रकृति में परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही हमारा जीवन है। आगे कवि कहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कल्पनाओं को और अपनी अच्छाइयों को आगे बढ़ाना होगा। तभी हम सब मिलकर अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज बना सकते हैं। कवि आगे कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज विकास की ओर बढ़ेगा।